जिस जेल में सलमान ने दिखाया दबंग अंदाज वहीं पर है जान का खतरा, डीआईजी के दावे पर उठे सवाल। काला हिरण शिकार मामले में सजा सुनाए जाने के बाद भी सलमान खान दबंग अंदाज में दिखे। कोर्ट से निकलकर पुलिस की जीप में बैठकर जेल में दाखिल होने तक सलमान खान की चाल ढाल को देख ऐसा नहीं लग रहा था कि 5 साल जेल में गुजरने की सजा मिलने के बाद भी उन्हें कोई परेशानी है। वह शांत जरूर थे मगर चेहरे पर शिकन ना थी। वहीं जेल के अंदर से जो तस्वीरें लीक हुई हैं वे कुछ और ही कहानी बयां कर रहे हैं। सलमान खान जिस तरह जेल में रौब से कुर्सी पर बैठे हैं उसे देख ऐसा लग नहीं रहा कि वह कैदी हैं। यह तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इसी के साथ जोधपुर सेंट्रल जेल के डीआईजी विक्रम सिंह के दावों पर भी सवाल उठने लगे हैं। जोधपुर सेंट्रल जेल के डीआईजी विक्रम सिंह ने कहा था कि जेल में सलमान के साथ आम कैदी की तरह बर्ताव किया जाएगा। उन्होंने खासतौर पर कहा कि जेल के टॉयलेट ऐसे हैं कि सलमान को उन्हें यूज करने में परेशानी नहीं होनी चाहिए। अभिनेता को जेल की वर्दी पहननी होगी और कम से कम यह रात तो जेल में ही गुजारना पड़ेगी। जोधपुर सेंट्रल जेल में सलमान खान की जान को खतरा है। दरअसल पिछली सुनवाई के दौरान जोधपुर कोर्ट के बाहर गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने सलमान खान को जान से मारने की धमकी देने का वीडियो वायरल हो गया था। वीडियो में लॉरेंस ने कहा था, वैसे तो मैं छात्र नेता हूँ, पुलिस का तो काम है आरोप लगाना, लेकिन अब हम जो करेंगे कुछ खुलकर करेंगे। सलमान खान को जब हम जोधपुर में मारेंगे तब इन्हें पता चलेगा। मौजूदा समय में हत्या केस में लॉरेंस बिश्नोई जेल में सजा काट रहा है। लॉरेंस ने सलमान खान को धमकी देकर सनसनी मचा दी थी। सोशल मीडिया पर सलमान खान को धमकी देने का वीडियो अब फिर शेयर किया जा रहा है। बता दें कि सलमान खान की जमानत अर्जी पर शुक्रवार सुबह सीजेएम कोर्ट में सुनवाई होगी। गौरतलब है काला हिरण का शिकार करने के दोषी पाए गए सलमान खान को 5 साल जेल की सजा और ₹10,000 जुर्माना लगाया है। 20 साल पुराने मामले में सलमान खान के अलावा सैफ अली खान, तब्बू, नीलम कोठारी, सोनाली बेंद्रे और स्थानीय दुष्यंत सिंह को भी सह आरोपी बनाया गया था, मगर सबूतों के अभाव की वजह से कोर्ट ने सभी 5 सह आरोपियों को बरी कर दिया।